देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जब पुलिस का भगवाकरण करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए तो विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी थी, लेकिन अचानक योगी सरकार के बाद उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार की खाकी का भी भगवाकरण उस समय देखने को मिल गया जब पौड़ी जनपद के श्रीनगर में नवनिर्माण सीओ दफ्तर, महिला थाने व अग्निशमन कार्यालय को भी भगवा रंग में रंग दिया गया। पुलिस की इमारत का भगवाकरण होने से कांग्रेस लाल पीली नजर आ रही है और उसका साफ कहना है कि सरकारी संपत्तियां किसी राजनीतिक दल की नहीं होती, इसलिए इस इमारत का भगवाकरण साफ दर्शा रहा है कि त्रिवेंद्र सरकार ने किस तरह से खाकी का भगवाकरण शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकारी संपत्तियों का भगवाकरण नहीं होने दिया जाएगा, चाहे इसके लिए उनको सड़कों पर क्यों ना उतरना पड़े। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस शासन काल में पौड़ी जनपद के श्रीनगर में पहले यह महिला थाना श्रीनगर के नरसी रोड पर था, लेकिन वर्ष 2013 की आपदा के बाद इसे स्थानांतरित करना पड़ा था। बताया जा रहा है कि उस कार्यकाल में इसमें बेहद नुकसान हुआ था, लिहाजा नए थाने को स्वीकृति दी गई थी। लंबे समय से नई इमारत का निर्माण किया जा रहा है। इस भव्य इमारत में सी ऑफिस, महिला थाना व अग्निशमन दफ्तर बनाया जा रहा है, लेकिन अब महिला थाने को भक्तियाना में बनाया गया है। हालांकि अभी इस थाने का औपचारिक रूप से उद्घाटन नहीं हुआ है और वहां निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन जिस तरह से भव्य इमारत को भगवा रूप दिया गया है उससे कांग्रेस लाल पीली नजर आ रही है और उसने त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सीधा आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार ने अब पहाड़ से पौड़ी जनपद से खाकी का भगवाकरण कर जिस तरह से धर्म की राजनीति शुरू की है वह इस राज्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर महासचिव गणेश भट्ट की माने तो पहले कांग्रेस कार्यकाल में जो काम हुए हैं उन्हें इरच अपना नाम देकर उद्घाटन कर रही है। गणेश भट्ट की माने तो पहले बीजेपी ने जाति की राजनीति की थी और अब रंगों की राजनीति कर रही है, जो समाज के लिए ठीक नहीं है। उनका ये भी कहना है कि इस थाने को कांग्रेस सरकार में मंजूरी मिली थी, लेकिन भगवा रंग में थाने को रंग कर बीजेपी ने ये दिखाया है कि वो उसने ही बनवाया है। इस संबंध में जब पौड़ी जनपद के एसएसपी जगतराम जोशी से संपर्क किया गया तो उनका कहना था कि अभी सिर्फ सीओ ऑफिस व रेजिडेंस पर ऑरेंज कलर का पेंट हुआ है, लेकिन कांग्रेस नेताओं का साफ आरोप है कि तीनों इमारतों का त्रिवेंद्र सरकार ने भगवाकरण किया है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। कांग्रेस सरकार के समय जितने भी कार्य हुए थे, स्वीकृत हुए थे, वो कार्य अब पूरे होने जा रहे हैं। तो धर्म के ठेकेदारों ने, वंदे मातरम के ठेकेदारों ने और रंगवाद की राजनीति करने वाले लोगों ने जो यहाँ पे महिला थाना बन रहा है जिसमें सीओ कार्यालय भी रहेगा और अग्निशमन का कार्यालय भी रहेगा, उसको पूरा भगवा का रूप दे दिया है। तो ये गलत है, ये सरासर गलत है। ये जो भगवा की राजनीति, वंदे मातरम की और धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति नहीं कर रहे, ये देश को बांटने का काम कर रहे हैं। उससे बहुत ही शर्मनाक कृत्य किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा तो यूपी में देखने को मिलता था कि सपा की सरकार आ रही थी और सपा के रंग में पूरे यूपी को रंग देती थी। बसपा की सरकार आई तो उन्होंने नीले रंग में पूरा यूपी बना दिया और ये परिपाटी अब उत्तराखंड में शुरू कर दी गई है भाजपा की सरकार के द्वारा। निश्चित रूप से निंदनीय है। सरकारी संपत्ति किसी एक पार्टी विशेष की संपत्ति नहीं है, ये पूरे प्रदेश की संपत्ति है। इस पर इस तरह का भगवाकरण करके ये क्या संदेश देना चाहिए भाजपा की सरकार, ये समझ से परे। देख रही है क्राइम स्टोरी।